नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं आपने मेरे नए कोर्स में दिलचस्पी दिखाई। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन क्यों सीखना चाहिए। देखिए, अगर आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI, न्यूरल नेटवर्क, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो ज़रूरी है कि आपको डेटा के साथ डील करना आना चाहिए। और जो डेटा के साथ डील करने के लिए लाइब्रेरीज बनी है, वो लाइब्रेरीज हम इस कोर्स में सीखेंगे। इसका मतलब जो आने वाले कोर्सेज होंगे उनको अच्छे से समझने के लिए आप जरूरी है कि आप इस कोर्स को ध्यान से देखें। इस कोर्स में हम बात करेंगे नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, सीबोन, इन सभी लाइब्रेरीज की। जो सबसे ज़्यादा एम्फोसिस हम करेंगे वो करेंगे पांडास पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है डेटा के साथ डील करने के लिए। हम सीखेंगे कैसे इंपोर्ट करेंगे डेटा, क्लीन करेंगे आगे काम करने के लिए। इस कोर्स को बनाते हुए मैंने कुछ चीज़ें एज्यूम की हैं। सबसे पहली चीज, आपको थोड़ी सी पाइथन आती है, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है। दूसरी चीज, आप जो लाइब्रेरीज पढ़ोगे, नमपाई, पांडास, ये सब चीज़ें आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हुई, आप पहली बार इस कोर्स में पढ़ोगे। बट बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को स्पीड अप करके देखिए, 1.5x पे, 2x पे। अगर 2x स्लो लगती है तो आप क्रोम के एक्सटेंशन डाउनलोड करके इसको 3x तक ले जा सकते हैं। उसके बाद जो मेरी वीडियोज़ की एवरेज लेंथ रहेगी वो रहेगी 4, 5, 6, 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं रखी मैंने क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई चैनल्स स्टैटिस्टिक जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है लोगों का वो है 4 से 5 मिनट। तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा वीडियोज़ में, आपको ढेर सारी एक्सरसाइज मिलेंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कैसे जुपिटर इंस्टॉल करेंगे हम लोग, कैसे उसके साथ काम करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।